नमस्कार। चलिए आज फिर हम एक और रेसिपी बनाते हैं नैचोस के साथ, नैचोस विद ग्वाकामोली। ग्वाकामोली एक डिप है जो कि आप तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निधिगर कलाकृति में आज पेश है नैचोस विद ग्वाकामोली। इसके लिए चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है जिसे आप फ्रेंड्स के साथ कभी भी कहीं भी बना करके खा सकते हैं। सबसे पहले प्याज को चॉप कर लीजिए, टमाटर को चॉप कर लीजिए और यहाँ मैं 2 एवोकाडोज ले रही हूँ। ध्यान रहे एवोकाडोज आपके पके हुए होने चाहिए। चाट मसाला लिया है, लेमन जूस लिया है और नमक लिया है। जैसे मैंने कहा आपसे एवोकाडो पका हुआ होना चाहिए। अगर एवोकाडो अभी हरे रंग का है तो इसे रख दीजिए, जब ये पक जाए तब इसका इस्तेमाल करें। इसको छीलने का बहुत अच्छा तरीका है, इसे कट कीजिए और ट्विस्ट करके इसके सीड को निकाल दीजिए और फिर इसके पल्प को यानी इसके गूदे को स्कूप आउट कर लीजिए चम्मच की मदद से। इसका ये जो बीज है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हम रेसिपी के दौरान इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी ध्यान से सुनिए और देखिए ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दूसरा एवोकाडो लीजिए, उसे बीच में से कट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए और इसके सीड को बाहर निकाल लीजिए। इसके पल्प को निकालिए चम्मच की मदद से। दूसरे हाफ में भी यही कीजिए। देखिए मैं इसके बीज को फेंक नहीं रही हूं, मैंने इसे भी बोल में ही छोड़ दिया है। अब हम इस पल्प को एक फोक या कांटे की मदद से मैश करेंगे। इस गूदे को अच्छे से मैश कर लीजिए, इसमें चंक्स ना रहें यानी कि टुकड़े ना रहें। अगर आपका एवोकाडो अच्छी तरह से राइप्ड होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसमें कटा हुआ प्याज मिलाइए, टमाटर मिलाइए, धनिया पत्ती डालिए, आप कोरिएंडर नहीं है तो आप बेजिल लीव्स हैं वो डाल सकते हैं इसके अंदर और इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए। ध्यान रहे सीड हमें इसी में पड़े रहने देना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे। हमें इसे बहुत खट्टा नहीं करना है। अब इस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कीजिए। लीजिए आपका ग्वाकामोले तैयार है। अब हमने ये सीड क्यों इसमें डाला है? जब तक आप इसमें सीड को डाल के रखेंगे आपका ग्वाकामोले काला नहीं पड़ेगा, इसका टेस्ट और टेक्सचर एज इट इज बरकरार रहेगा। तो ये था हमारा सीड डालने का सीक्रेट। अब इसे एंजॉय कीजिए नैचोस के साथ। आप इसे ब्रेड के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं एज सैंडविच। तो बस देखिए कितनी क्विक रेसिपी है और कितनी मजेदार, टेस्टी एंड ये पौष्टिक भी बहुत है क्योंकि एवोकाडो में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये डाइट में भी मदद करता है। तो बस जुड़े रहिए ऐसी ही क्विक रेसिपीज के लिए निधिगर कलाकृति के साथ। अगर आपने अभी तक कमेंट, लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए।